राइट। तो जैसे हम लोग कल डिस्कस किए थे कि मार्केट में गैप अप का पॉसिबिलिटीज है, तो उसके हिसाब से मार्केट आज गैप अप किया और उसके बाद मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम कैरी किया, राइट। तो अभी क्या है कि मार्केट में ये जो गैप अप के वजह से एक बुलिश मोमेंटम आया है, तो इसको मार्केट कैरी फॉरवर्ड करेगा या फिर मार्केट में एक रिवर्सल होगा, तो वही सारी चीज़ें हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज कल के लिए बन रहा है, तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर जाते हैं। राइट गाइस, तो अगर हम लोग अभी बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज अभी है, तो अगर हम लोग एज पर प्राइस एक्शन देखते हैं तो आपको दिख रहा है जो रेड लाइन है आपका, ये 50 MA का मार्क है, तो 40,800 तक मार्केट में जो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखें तो एज पर प्राइस एक्शन आपका बन रहा है 40,800। और ऊपर रेजिस्टेंस अगर देखें तो अभी का रेजिस्टेंस जो है 41,500, जो पहले भी हम लोग बहुत बार बता चुके हैं, तो 41,500 तक मार्केट जब तक नहीं जाए इसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है तब तक यहाँ से मार्केट बुलिश नहीं हो सकता, राइट। तो मार्केट अगर इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज एक है कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाए। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि क्यों पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, तो अप टू 41,800, इसके बाद जो हाई है आपका 41,800, तो वहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। तो बुलिश में आपका क्या है, पहले कंडीशन यही है कि फिर से 41,500 को डिसाइसिवली ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल मार्केट को मिलता, मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट ऊपर अप्रोच करता है कल फ्लैट ओपनिंग होके, तो अगर यहाँ से फर्दर नीचे पुश करता है तो मार्केट एटलीस्ट कितना दूर आ सकता है, नीचे 40,800 तक नीचे आ सकता है, क्योंकि 50 MA का एज पर प्राइस एक्शन अगर देखें तो पहला टारगेट आप कंसिडर कर सकते हैं 41,000 का जो लेवल है, उसके बाद 40,800 तक मार्केट नीचे फर्दर पुश कर सकता है। तो ये सारे अभी आपको मतलब लेवल्स ध्यान पे देना है अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या सीन है अभी। तो ऑप्शन चेन अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 41,000, पहले हम लोग देखते हैं 41,000, देखिए यहाँ पर 42, और यहाँ से कितना स्क्वायर अप कर चुके हैं आज देखिए। तो अप टू आपको दिखेगा कि मार्केट में अभी 41,300 अगर देखते हैं तो 300 पे आपको देखिए 75,000 है आपका, राइट। और यहाँ पर भी तो इसमें कंसिस्टेंटली यहाँ पे आज बिल्डअप हुआ है, राइट, फ्रेश बिल्डअप यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, मार्केट से ये लोग स्क्वायर अप कर रहे हैं, कहाँ पर अभी ऐड हो रहा है, मार्केट जहाँ पर एंड किया है 41,300। तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट कल एटलीस्ट चाहेगा कि 41,000 का जो लेवल है इसको डिसाइसिवली मार्केट ब्रेक कर जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बिल्डअप देखते तो यहाँ पर पुट का बिल्डअप भी कंसिस्टेंट यहाँ पर आपको 33,000 आपको दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर 1,13,000, तो लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो एक अप्रोच है यहाँ पर कि मार्केट 41,500 का डिसाइसिवली ब्रेक करना चाहेगा, तो हो सकता है मार्केट कल मतलब बुलिश मोमेंटम के लिए फिर से कोशिश करेगा, राइट। तो अगर हम लोग अभी निफ्टी में जाते हैं, निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, तो निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको दिख रहा है कि 17,900 का जो मार्क है वो आपका अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट यहाँ से 17,800 का जो मार्क है, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा था, राइट, पहले तो ये जो 38 का मार्क है, तो यहाँ से मार्केट गैप अप किया, राइट। तो इस लेवल को अगर हम लोग अभी देखते हैं तो इस लेवल को इम्पोर्टेंट हमें अभी ध्यान पे देना है इस लेवल को भी, और पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर आज मार्केट क्या क्या है। यहाँ पर फिर से जो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के मार्केट ब्रेकआउट दे रहा था, तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है एक, और लास्ट में आज मार्केट क्या क्या, लास्ट में मार्केट यहाँ पर एक लास्ट कैंडल, अगर लास्ट कैंडल के पहले मतलब उसके पहले का अगर कैंडल लेते हैं आपका 15 मिनट्स में, तो वहाँ पर एक ब्रेकआउट का कैंडल आपको दिख रहा है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट की फ्लैट अगर ओपनिंग होता है तो मार्केट चाहेगा एटलीस्ट ऊपर पहला जो रेजिस्टेंस मार्केट का है 18,100 का जो है उसको पहले ब्रेक करना चाहेगा। अगर इसको ब्रेक करता तो नेक्स्ट आपका जो एज पर वाई अगर देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आपका यहाँ पर हुआ है 18,200, तो इसको आपको कंसीडर करना है अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो मार्केट अप टू 18,200 तक ऊपर जा सकता है, राइट। मार्केट अगर मान लीजिए 18,100 की तरफ अप्रोच करने के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल आता है आपका, तो अप टू 17,900 तक जा ही सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अप टू 17,800 तक नीचे जा सकता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि अगर हम लोग बिल्डअप देखते हैं यहाँ पे निफ्टी में भी, तो क्या क्या बिल्डअप यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 18,000 पे। 18,000 पे आप देख पा रहे हैं कि 1,20,000 यहाँ पर आपका है, और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं पुट में तो 96,000। तो यहाँ पर कोशिश है कि मार्केट 18,100 के ऊपर मार्केट को ले जाया जाए, मतलब पुट का कोशिश अभी है। कॉल में आपको बिल्डअप दिख रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली आपका पुट का भी बिल्डअप यहाँ पर है। तो उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो 18,100 आपका दिख रहा है, राइट, 18,100 पर 70,000 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्डअप नहीं दिख रहा है। तो मार्केट में आप अगर 18,000 से लेकर नीचे अगर जाते हैं तो आप टू आपको दिखेगा 17,500 तक एटलीस्ट
आपको एक अच्छा बिल्डअप दिखेगा। तो इस सारे में एक अच्छा बिल्डअप है, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट में 950 के यहाँ से आप मतलब 17,500 से लेके 950 तक मार्केट में जो भी कॉल पे लोग थे वो लोग आज बहुत सारे लोग यहाँ से स्क्रॉप कर चुके हैं। तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में एक फियर है कि मार्केट फिर से बुलिश हो सकता है। तो इसके हिसाब से एक पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट एटलीस्ट 18,100 का जो मार्क है उसको एटलीस्ट कल ब्रेक करेगा, राइट। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज सही बन रहा है सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।